नमस्कार दोस्तों, अजय ट्रेडर्स की और एक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं अपने सोमवार को बैंक निफ्टी ऑप्शन में क्या हो सकता है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में लास्ट फ्राइडे को कैसे उसका क्लोजिंग हुआ है। फ्रेंड्स, यहां पे आप चेक करोगे तो हमारा SGX निफ्टी सिंगापुर निफ्टी है वो -117 पॉइंट में क्लोज हुआ है। डाउ जोंस -486 पॉइंट पे क्लोज हुआ है। डेक्स -247 क्लोज हुआ है। ये सारे ग्लोबल मार्केट फ्रेंड्स माइनस में ही क्लोज हुआ है लास्ट फ्राइडे को। तो पॉसिबिलिटी सोमवार को ये हो सकती है कि अगर सोमवार को सुबह में ये हमारा निफ्टी माइनस में ऊपर होने की पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन उसको जानने के लिए सोमवार को क्या होता है ग्लोबल मार्केट में ये हमें देखना पड़ेगा मॉर्निंग में। जैसे निफ्टी क्या करती है वो हमें पता चल जाएगा सुबह मॉर्निंग में। तो आइए देखते हैं अब निफ्टी में वन डे के कैंडल में क्या सिग्नल बना लास्ट फ्राइडे को। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चेक करोगे तो लास्ट फ्राइडे को एक बेरिश टाइप का कैंडल बनाया है निफ्टी ने, तो उसका क्लोजिंग हुआ है 17,327 पे। उसका क्लोजिंग हुआ है और उसने हाई से लो मारा है 17,290 का उसने लो मारा है। अगर वन डे के कैंडल में हम चेक करेंगे तो अगर फ्राइडे के लो को ब्रेक करता है 17,290 को ब्रेक करता है तो उसका टारगेट आ सकता है पहले 17,150 और दूसरा टारगेट आ सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ तक नीचे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है वन डे के कैंडल में। कहाँ तक, यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का ये लाइन ड्रॉ किया है मैंने ब्रेक करेगा, जिसका लेवल आ रहा है 16,980 के तरीक। अगर इसको भी ब्रेक करता है वन डे के कैंडल में तो उसका अल्टीमेट टारगेट आने की पूरी पॉसिबिलिटी है 16,780 के करीब। ओके, ये हो गया फ्रेंड्स वन डे की कैंडल में। तो आइए देखते हैं इंट्राडे में क्या हो सकता है सोमवार के लिए। फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो एजुकेशन प्रपोज से बनाता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये 15 मिनट की चार्ट लगाया है मैंने स्क्रीन पे, तो मैं आपको ये लेवल फटाफट अभी बढ़ा देता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने ये लेवल पहले से लो करके रखा है ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। फ्रेंड्स, अगर बाई चांस सोमवार को निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, यानी कौन सा लेवल पे ओपन होता है 17,380 से लेकर 17,280 के बीच में ओपन होता है और 17,280 को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट आ सकता है इंट्राडे में 17,215, दूसरा टारगेट आ सकता है 17,155 और तीसरा टारगेट आ सकता है 17,050 के करीब जा सकता है निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है तो। और अगर फ्लैट ओपन होने के बाद 17,380 ब्रेक करता है अपसाइड में तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 17,450-30, दूसरा टारगेट आ सकता है 17,480 के करीब टारगेट आ सकता है इंट्राडे में। और अगर समझ लो कि जैसे SGX निफ्टी माइनस में क्लोज हुआ है वैसे अगर हमारा भी 100 पॉइंट माइनस ओपन होता है, यानी 17,000 उसका क्लोजिंग है 17,327 उसका क्लोजिंग है, और अगर समझ लो 17,200 यानी इस लेवल पर कहीं पे ओपन होता है और अगर वहाँ पे पूरा हैमर टाइप का कैंडल बनता है फ्रेंड्स इस टाइप का, तो उसी हैमर कैंडल का लो का हम स्टॉप लॉस लगा के कॉल बाई कर सकते हैं और उसका टारगेट रहेगा 17,000। ये जो गैप पड़ेगा उस गैप फिल करने के ऊपर आ सकता है, या फिर हम एक काम भी कर सकते हैं यहाँ पे ओपन होता है तो कुछ टाइम तक हम प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे, उसके बाद जिस तरह ऊपर या डाउन साइड में वो ब्रेक करता है आधा घंटा पौना घंटे के बाद तो उसके हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं फ्रेंड्स निफ्टी में। और ज़्यादा गैप अप ओपन होने के कोई संभावना मुझे दिख नहीं रही है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं अब बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है फ्रेंड्स सोमवार के लिए। फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का वन डे का चार्ट है। आप यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पर भी उन्होंने वन डे के अंदर में एक पूरे बेरिश कैंडल बनाई हुई है, और अगर बेरिश कैंडल का लो आप देखोगे तो उसका लो है 39,412 के करीब उसका लो है। अगर ये इसको ब्रेक करता है और नीचे सस्टेन करता है वन डे के कैंडल में तो उसका टारगेट आ सकता है वन डे के चार्ट में 38,700 तक जा सकता है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी वन डे के कैंडल में। ओके, तो आइए देखते हैं 15 मिनट की चार्ट में क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में सोमवार को इंट्राडे में। फ्रेंड्स, ये मैंने लेवल पहले से मार्क करके रखा है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आया है फ्रेंड्स 39,546 पे क्लोजिंग आया है। और अगर फ्रेंड्स बैंक निफ्टी बाई चांस फ्लैट ओपन होता है, यानी इस लेवल पे ओपन होता है कहीं पे, इसका लेवल आएगा 39,395 से लेकर 39,650 के बीच में ओपन होता है, और यहाँ पे ओपन होने के बाद
39,390 ब्रेक करता है तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 39,270, दूसरा टारगेट आ सकता है 39,050 के करीब उसका टारगेट आ सकता है। और अगर फ्रेंड्स डेथ ऊपर होने के बाद 39,650 ब्रेक करता है तो उसका पहला टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है 39,790, और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 39,870 के करीब। और अगर फ्रेंड्स बैंक निफ्टी ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है, यानी कितना पे क्लोजिंग हुआ है आपका 546 पे क्लोजिंग हुआ है, और अगर समझ लो कि 200-300 पॉइंट माइनस ओपन होता है यानी इस लेवल के पास ओपन होता है, तो यहाँ पे हम कुछ हैमर टाइप का कैंडल बनने का वेट करेंगे। पहले कैंडल 5 मिनट की कैंडल में अगर हैमर कैंडल बनती है तो उसी हैमर कैंडल के लो को हम स्टॉप लॉस लगा के कॉल बाय कर सकते हैं। और उसका टारगेट क्या रहेगा, यहाँ पे जितना लेवल गैप बड़ा होगा उस गैप को फिल करने के लिए ऊपर जा सकती है बैंक निफ्टी, या फिर दूसरा सीनियर ये भी बन सकता है फ्रेंड्स कि अगर ज़्यादा गैप डाउन ओपन होने के बाद कुछ टाइम पे प्राइस एक्शन बनाता है ऐसे, और उस प्राइस एक्शन का हम वेट करेंगे, ब्रेक का वेट करेंगे। अगर अपसाइड में ब्रेक होता है तब बाई कर सकते हैं, और अगर डाउन साइड में ब्रेक होता है वो आधा पौन घंटे के बाद तो हम खुद बाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया फ्रेंड्स हमारे बैंक निफ्टी का। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।